मैंने कांग्रेस को इतना नंगा किया है इसमें और सदन में किया। मैंने लोकसभा में कांग्रेस के एक नेता, एक सांसद कह रहे थे मंडी बंद हो जाएगी, मंडी बंद हो जाएगी। मैंने उठ के, मैं बोल नहीं रहा था, मैंने पूछा भैया बताओ कौन से क्लॉज में मंडी लगेगा, तुम बताता हूं। मैंने चार बार पूछा, वो एक बार नहीं बता पाया। मैंने पार्लियामेंट में राहुल गांधी के भाषण के बाद मैंने वहां पर इंटरवीन किया और जो धजियां उनकी उड़ी है, उनके झूठ का हमने वहां पर प्रखच्चे उड़ाए हैं, उनको सारी उम्र याद रहेगा। क्योंकि जब मैं बोलता हूं राहुल गांधी जी दो मिनट नहीं बैठ पाते, उठ के चले जाते हैं। कोई पिछले 6-8-10 मेरे भाषण देख लेना, कभी राहुल गांधी दो मिनट नहीं बैठ पाए, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं। मैं जब राज्यसभा में मैंने इंटरवीन करके बोला तो मैंने दोनों सदनों के सभी सांसदों से पूछा, कोई एक क्लॉज बताए कहां पर लिखा है कि मंडी बंद होगी, कहां पर लिखा है एमएसपी बंद होगा। और कांग्रेस के ही सांसद ने राज्यसभा में मान लिया कि ठाकुर जी ने ठीक कहा, इस कानून के अंतर्गत कोई मंडी बंद नहीं होगी। और राहुल गांधी से अगर मैं पूछूं कि गेहूं और जौ में क्या अंतर है तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि राजीव गांधी जी भी लाल मिर्च और हरी मिर्च में अंतर नहीं बता पाएंगे। अब ऐसे नेताओं से मैं क्या सवाल कर सकता हूं, लेकिन सवाल तो ये लोग खड़ा करते हैं और मीडिया को भी मजा आता है, क्योंकि आए झूठ बोला, जो स्पीकर का काम था वो भी वो मोहते करके चले गए। स्पीकर की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की, वो कहते नहीं आप सब खड़े होकर ये कर दो, और एक बार भाषण दिया तो आके प्रधानमंत्री के गले पड़ गए। गले लगना अलग बात होता है, गले पड़ना अलग बात होता है। और यही कारण है कि जैसे नौसिखिया जब राजनीति में होते हैं तो कांग्रेस जो कभी 400 सीट की पार्टी थी आज 40 सीट की पार्टी बनकर रह गई। इसके पीछे मूल कारण है कांग्रेस में परिवारवाद और ऐसे लोगों को जिम्मेदारी जो ना सदन में बैठते हैं ना समस्याओं को समझते हैं लेकिन देश के सामने समस्याएं पैदा करते हैं। इस परिवार ने वर्षों तक राज किया, केवल देश के संसाधनों को लूटने का काम किया। कहते हैं हम दो हमारे दो, ये नसबंदी से लेकर नोटबंदी तक के नारे लगाने वाले। मैंने उसी दिन उत्तर दे दिया था, भाई तुम कौन दो और आगे तुम्हारे दो कौन है, दीदी जीजा जी भी इंक्लूडेड है। और जीजा जी की तो ये हालत है कि कानपुर में एक लड्डू वाला है, ठग्गू के लड्डू, उसका डब्बे पे कभी पड़ना, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। इनके लिए मैं कहता हूं कि गांधी परिवार का एक नारा है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, कोई नहीं छोड़ा। देश का कोई राज्य देखिए वहां पर इन्होंने जमीनें लूटने का काम किया। किसानों के साथ अमेठी की बात हो तो वहां पर किसानों की जमीन ले गए इंडस्ट्री के नाम पर, अपनी फाउंडेशन के नाम पर ले गए। जीजा जी ने देश के अलग अलग राज्यों में जमीन इकट्ठी कर ली। ये जो कभी जमीनी नेता होते थे आज ये जमीनों के नेता होकर रह गए। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये जो कभी जमीनी नेता होते थे आज ये जमीनों के नेता होकर रह गए। इसीलिए लोगों ने इनकी जमीन उखाड़ दी है और इनकी जमीन सदा सदा के लिए उखड़ चुकी है, क्योंकि मोदी सरकार आज देश को प्रतिबद्ध है आगे ले जाने के लिए, देश की आम जनता का सम्मान बढ़ाने के। मैं आपके सामने केवल दो मिनट और लेकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये जब बजट आया तो इससे पहले कौन सी आपदा थी, हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी महामारी से हमें जूझना पड़ेगा। क्या आप में से कोई कह सकता कि आपने सोचा था कि कभी ऐसा लॉकडाउन होगा जिसमें यही पता नहीं था कि अनलॉकिंग कब। इनका एक नेता है राज्यसभा में कहता कि अप्रैल महीने में 98% गाड़ियों की खरीद कम होगी। अरे घर से कोई निकला नहीं अप्रैल में, जून में गाड़ी की खरीद कहां से होगी। ऐसे ऐसे तो महानुभाव इनके यहां पर है। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनिता श्रीनिवासन जी,
दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष जी, महासचिव भाई कुलजीत चहल जी, हमारी प्रदेश महिला मोर्चा की दिल्ली की अध्यक्ष आदरणीय योगिता जी, यहाँ पर उपस्थित महिला मोर्चा की सभी पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, दिल्ली प्रदेश के कोने कोने से आई हुई सभी मातृशक्ति भाई और बहनों, मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश का इस आमंत्रण के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि देश के 70 वर्षों में जो ऐतिहासिक बजट इस बार मोदी सरकार में निर्मला जी ने दिया है, वो भी एक महिला ने डिजिटल बजट और मेक इन इंडिया टैबलेट के माध्यम से पढ़कर भी बोला है, इसके लिए भी महिलाओं को विशेष तौर पर बहुत बहुत बधाई और उनका आभार प्रकट करता हूँ। मुझे आने में देरी हुई, लेकिन मैंने स्वयं ही, हालांकि मुझे पहले समय 3:30 बजे का दिया था, मैंने खुद कुलजीत जी से, योगिता जी से निवेदन करके, नेहा जी को वगैरह को रिक्वेस्ट करके कहा था कि 2 से 4 के बीच में ब्रेक होती है, मुझे 9 बजे सुबह राज्यसभा जाना पड़ता है और 1 बजे लोकसभा खत्म होती है, 3-4 बजे तक पढ़ो फिर 9 बजे राज्यसभा पहुंच जाओ, तो 2 बजे का समय सूट करेगा। लेकिन आज क्योंकि 15 तारीख की बजाय 13 तारीख को लोकसभा चली और आज समापन भी होना था, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पर चर्चा हो रही थी, मुझे रहना था क्योंकि अमित शाह जी उसका उत्तर भी दे रहे थे, आपको इंतज़ार करना पड़ा, मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आपको मेरे कारण इंतज़ार करना पड़ा। मैं ज़्यादा समय इस पर नहीं लूँगा, कुछ बातें मैं विशेष तौर पर महिलाओं से जुड़ा हुआ जो इस बजट पर है उस पर भी करूँगा, लेकिन कुल मिलाकर पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ये बजट क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे एक बड़ा बदलाव लाएगा, इस पर आपके सामने कुछ बातें जरूर रखूंगा। मैं जब 1996-97 में पहली बार अमेरिका गया, मैं उस समय क्रिकेट खेलना छोड़ने के बाद व्यापार करता था, एक्सपोर्ट हाउस शुरू किया था, मैन्युफैक्चरिंग करता था, तो देखता था वहां के समाचार पत्रों में बड़ा बड़े बड़े शब्दों में लिखा जाता था भारत के बारे में, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ बैगर्स एंड स्नेक चार्मर्स, क्योंकि हमारा जो ट्रेड फेयर होता था वो 15 अगस्त के आसपास होता था, शिकागो के मैकॉमिक प्लेस पे एक बड़ी वहां पर एग्जीबिशन लगती थी, एंड इट वॉज डिस हार्टनिंग टू रीड ऑल दिस व्हेन इंडिया वॉज मैंशनड एज का कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स एंड बैगर्स। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, एक बड़ा बदलाव आया, परमाणु विस्फोट हुए, भारत की ताकत का दुनिया को पता चला, 2-3 वर्षों में भारत की छवि दुनिया भर में बदल गई, क्योंकि हमने अपनी ताकत दिखाई, तो जो स्वयं ताकतवर होता है तो दुनिया उसकी ताकत को मानती है। एक उस समय भारत की छवि बदली थी, एक आज नरेंद्र मोदी जी के समय पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, ये हम सबको गौरव की अनुभूति देता है। इस बजट के माध्यम से भी हमने भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बने, इकोनॉमिक पावर हाउस बने, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बने, वी शुड ऑल्सो बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्किल्ड वर्क फोर्स, द इंटेंशन इज दिस इन दिस बजट, और उसी सोच के साथ इस बजट को लाया गया है। लेकिन एक बार मैं आपको 2014 में जरूर ले जाना चाहूंगा, जब हम 2014 में सत्ता में आए तो क्या मिला था हमें विरासत में? विरासत में मिला था दुनिया की वो 5 चरमराती लड़खड़ाती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत था। इंडिया वॉज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देर वॉज अ ह्यूज चैलेंज इन फ्रंट ऑफ मोदी गवर्नमेंट when the inflation was in 2 digits, when the NPA numbers were high, when the country was facing a challenge that the growth was down in the last 2 financial years, to kya karti Modi sarkar? Aur satta mein aane se pehle to ye aarop laga tha ki ye to chai bechne wala hai, gareeb maa ka beta hai, kya sarkar chalayega? Aur us chai bechne wale ke samne aisi arthvyavastha thi jo charmara rahi thi, ladkhada rahi thi, महंगाई
12% से ज्यादा थी, लेकिन पहले 5 वर्ष मोदी सरकार के उठाकर देखिए, 12% से महंगाई को कम करके औसतन 4% से कम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। ये लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्थाओं को, योगिता जी आप छोड़ के आइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष योगिता जी को कहा, सबको ही नहीं कहा, महिलाएं तो जा रहे, भाई साहब आप क्यों जा रहे? मुझे भी स्पीकर साहब ने ही पूछा कि कार्यक्रम महिला मोर्चा का तुम्हारा क्या काम है, निर्मला जी जाए। मैं एक निवेदन आपके सामने करना चाहता हूं, क्योंकि हम 6 वर्षों के बाद ये भूल गए कि 2014 में हम कहां पर थे। कांग्रेस के समय महंगाई 12% थी, हमने कम करके 4% से कम की। कांग्रेस के समय हम लड़खड़ाती अर्थव्यवस्थाओं में थे, मोदी जी ने 5 वर्षों में हिंदुस्तान को दुनिया की पहली 6 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाकर रख दिया। और ये बजट इसलिए मैं कहता हूं कि ऐतिहासिक है कि इस बजट के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को बनाने का काम करने वाले हैं तो हिंदुस्तान में मोदी सरकार करने वाली है। भारत को अगले 4-5 वर्षों में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है तो मोदी सरकार इस बजट के माध्यम से करने वाली है। भारत को इकोनॉमिक और मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना है तो मोदी सरकार इसके माध्यम से करेगी। हिंदुस्तान के स्टार्टअप को यूनिकॉर्न की दिशा में लेकर जाना है और हमारे देश के युवाओं ने, महिलाओं ने जो स्टार्टअप शुरू किए थे, हम कहीं नहीं दुनिया में होते थे 2014 से पहले स्टार्टअप्स के क्षेत्र में। मोदी जी ने युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया, लॉन्ग टर्म टैक्स पर, जो कैपिटल गेन टैक्स पर आपको लाभ दिया, इनकम टैक्स पर छूट दी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में विशेष सेल स्टार्टअप्स के लिए बना कर दिया, और जितने कदम स्टार्टअप्स ने मांगे थे वो मोदी सरकार ने उठाए तो हिंदुस्तान के युवाओं ने भी हमें निराश नहीं किया। आज दुनिया के पहले 4 स्टार्टअप नेशन में किसी का नाम आता है तो हमारे हिंदुस्तान का युवाओं के कारण आता है। मेरे भाइयों, महिलाओं के लिए भी मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। हम तो दिल्ली में हैं, ज्यादातर ये लगता है कि दिल्ली में है तो हो सकता है हर घर के पास हर सुविधा ही होगी, ऐसा नहीं। दिल्ली के भी अलग अलग क्षेत्रों में आप जाओगे, बहुत सारे परिवार आज भी टेंटों में, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। आज भी उन परिवारों के पास रसोई गैस का सिलेंडर, अगर मैं 2014 की बात करूं, ना रसोई गैस का सिलेंडर था ना पक्का मकान था, और दिल्ली जैसे देश की राजधानी में भी शौच के लिए खुले में जाना पड़ता था। नई दिल्ली में कभी मेरी ट्रेन अंदर एंटर करती थी, मुझे कहते हुए शर्म होती है कि पटरियों पर लंबी कतार शौच करने की लगी होती। आप सोचते होंगे मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। मैंने इस देश के 550 से ज्यादा जिलों में सफर किया है युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते, क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा का सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने का मुझे अवसर भी प्राप्त हुआ। मैंने देश के कोने कोने को देखा और मैं देखता था क्या मजबूरी है हमारे देश के गरीबों की। मैं गांव से आता हूं, मैंने देखा है कि हिमाचल में भी भाजपा की सरकार आने से पहले कैसे वहां पर भी एक बांस का टुकड़ा लेके उसमें सुराख पैसे ही होता है, उसको फूंक मार मार के आग जलाने का काम किया जाता था, कैसे मातृशक्ति वहां पर भी धुएं के कारण अपना शरीर बर्बाद करती थी। ये सुख सुविधाएं नहीं थी कब, आजादी के 65 वर्षों के बाद भी नहीं। लेकिन आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के हर महिला को शौचालय देने का काम किया मोदी सरकार ने किया। अगले 2 सालों में हर गरीब के पास पक्का मकान होगा तो मोदी सरकार देगी। 41 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुले तो 23 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले, और इस आपदा के समय भी उन 23 करोड़ बैंक खातों में, उन महिलाओं के खाते में 31,000 करोड़ रुपया किसी ने नकद मदद के रूप में दिया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देने का काम। ये 31,000 करोड़ जितनी तालियां नहीं है वैसे, मुझे पता है आप लंबा इंतजार कर रही, थक भी गई होंगी, चाय भी नहीं आई होगी, पानी भी नहीं मिला होगा,
लेकिन उन महिलाओं के बारे में सोचिए जो 70 साल से रसोई गैस के सिलेंडर का इंतजार कर रही थी। 8 करोड़ 30 लाख महिलाओं को मात्र 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया, जो इंदिरा गांधी से सोनिया गांधी तक कोई नहीं दे पाए। और इस बजट में भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा 1 करोड़ और बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में नरेंद्र मोदी की सरकार इस साल देने का काम कर देगी। यह है मोदी सरकार। यही नहीं, मैं पैदा हिमाचल में हुआ, मेरे पिता प्रोफेसर थे, उससे पहले LIC में नौकरी करते थे, 10वीं कक्षा पास की हिमाचल से, फिर पढ़ने गए जलंधर में, इवनिंग क्लासेस में पढ़ते थे, LIC की नौकरी करते थे, प्रोफेसर बने MA BEd लॉ करने के बाद। तो मैं भी 3 साल की उम्र में जलंधर चला गया, वहीं पर पढ़ा लिखा, पंजाब की टीम का कप्तान था, उत्तर भारत की क्रिकेट टीम का कप्तान था, इंडिया अंडर 19 खेला, तो पंजाब में खेला जाता। तब भी मेरे पिता प्रोफेसर होने के नाते भी गर्मी की छुट्टियों में हिमाचल में हमारा घर जहां पर था वहां पर हमीरपुर से 20 किलोमीटर पैदल जाकर खेती करके फिर वापस प्रोफेसर की नौकरी करने आते थे। ये जो आज किसानों का आंदोलन कर रहे हैं, जो उनके नाम पर राजनीति कर रहे, जो किसान आंदोलन कर रहे उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो किसानों को गुमराह कर रहे मैं उस पर कहना चाहता हूं, ये उनको भ्रमित कर रहे मैं उस पर भी आऊंगा बात। मैं जब गांव जाता था उस समय तो हम भी हमारे वहां पे खातरी कहते हैं, हमारे लोग की छोटी भाषा में, जो पहाड़ में हम खुदाई करके अंदर पानी स्टोर करने की जगह बनाते हैं, उससे पानी निकालकर, कुएं से पानी निकालकर अपने सिर पर उठाकर उससे नहाने का पीने का पानी मैंने स्वयं देखा है, किया है बचपन से लेकर। लेकिन बदलाव कब आया? जब प्रदेश में भाजपा की सरकार आई और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार यहां पर आई, तो देश के हर घर को नल और नल से स्वच्छ जल देने का काम इन 5 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। किसी बहन को सिर पर घड़ा उठाने की जरूरत नहीं रहेगी। अमीर और गरीब में क्या अंतर है? यही हो सकता है आपने ब्रांडेड साड़ी पहनी हो, मेरा अभी इंट्रोडक्शन करा रहे थे, फेमस डिजाइनर बैठी है, किसी ने इनका पहना होगा, किसी ने आम आदमी का बना, किसी ने फैक्ट्री का बना पहना होगा, गरीब ने तन ढकने के लिए थोड़ा और सस्ता पहना होगा, अंतर कितना है? लेकिन जो मूलभूत सुविधाओं का अंतर था कि बारिश टपक रही है लेकिन सिर ढकने के लिए पक्का मकान नहीं, बारिश हो गई लकड़ी गीली हो गई, आग जलाने के लिए लकड़ी नहीं, बारिश तो हुई पानी भी है लेकिन 10 किलोमीटर दूर से 5 किलोमीटर दूर से पानी सिर पर ढोकर लाना पड़ रहा है, बीमार तो हो गए लेकिन जेब में पैसा नहीं इलाज कराने का। यह है गरीब अमीर के बीच में अंतर। मैं मनरेगा की दिहाड़ी तो लगाई लेकिन प्रधान ने न जाने मुझे कितना पैसा दिया नहीं दिया, मैं स्टोल में चढ़ाया नहीं चढ़ाया क्योंकि बैंक खाता नहीं। अब ये गरीब और अमीर की खाई को किसने कम किया? महिला को रसोई गैस का सिलेंडर भी दिया, बैंक का खाता भी खुलाया, पैसे भी डलवाए, 8 महीने तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम भी किया। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आपदा के समय किया, पक्का मकान भी दिया, शौचालय भी दिया, और जिसको दवाई और इलाज का काम नहीं मिलता था, देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में किसी ने दिया है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देने का काम किया। आप कल्पना कीजिए, गरीब के पास एक कार्ड चाहिए केवल, उस कार्ड को लेकर किसी अस्पताल में जाएंगे, 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में मिल जाएगा। मेरी बहनें यहां पर खड़ी होकर पूछ सकती हैं कि क्या किया आपने इस बजट में महिलाओं के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं 16.31% 16.31% हमने वृद्धि की है इस बार के मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के लिए 2021-22 के बजट के लिए, और कुल बजट उसका 24,435 करोड़ रुपया किया है। तो मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए किया। यही नहीं, इसके साथ साथ अगर पोषण अभियान की मैं बात करूं, क्योंकि पोषण अभियान से मैं तब से जुड़ा जब मैं पहली बार सांसद बनकर आया था, किसी सरकार ने नहीं एक शुरू किया था,
इसमें हम अलग अलग दलों के लोग थे, शानवाज जी थे, सुप्रिया सुले जी थी, सचिन पायलट जी थे, मैं था, ऐसे हम कुछ लोग अलग अलग दलों से थे, कलिकेश थे, बाकी सब थे। हम कुछ युवा सांसद मिलकर बैठते थे कि किन विषयों पर हमें काम करना है। उसमें से हमने पोषण को चुना, मैल न्यूट्रिशन को चुना, यानी कि कुपोषण और मैल न्यूट्रिशन को हमने चुना। हमने देश भर का खाता तैयार किया था कि किन जिलों में मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। आपको जानकर हैरानी होगी, अच्छे से अच्छे परिवारों के बच्चे भी मैल नरिश्ड है, कुपोषण का शिकार है, उनके पास धन का अभाव नहीं है। 70% महिलाएं अनिमिक थी, खून की कमी थी, लेकिन सरकारें ध्यान नहीं देती थी। हम मनमोहन सिंह जी के पास गए, रिपोर्ट बनाकर उनसे लॉन्च करवाई, आमिर खान को हमने उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। मोदी सरकार आई तो व्यवस्थित रूप से उसको और सशक्त किया है। पोषण 2.0 हमारी सरकार ने शुरू किया और इसके माध्यम से भी 10 करोड़ लोगों को पोषण अभियान के अंतर्गत लाभ मिलेगा, ये भी नरेंद्र मोदी की सरकार करने जा रही है। यही नहीं, 20,105 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए प्रावधान किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बजट में कर दिया है। यही नहीं, शहरों में शायद हमें सूक्ष्म या आंगनवाड़ी का ध्यान ना हो, लेकिन छोटे से छोटे गांव में क्रचेस नहीं होते, वहां पर आंगनवाड़ी केंद्रों से ही काम चलता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने यहां पर बहुत काम अपने लोकसभा क्षेत्र में आंगनवाड़ी को लेकर किया, अब उनका देश भर में करने की इच्छा थी। ICDS के अंतर्गत हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी हो या पोषण अभियान हो या स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए हो, उन सबको इस अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाएगा। और सोशल सेक्टर्स के लिए, जो हम न्यूट्रिशन की बात करें, सोशल सिक्योरिटी की बात करें, वेलफेयर की बात करें, जो इसके अंतर्गत सारे आते हैं, इसका भी हमने बजट इंक्रीज किया है और लगभग 2,411 करोड़, जो इस वित्तीय वर्ष में था 2021 में 2,411 करोड़ रुपये से बढ़ाकर हमने इसको 3,576 करोड़ रुपये किया है। ये भी इसमें वृद्धि की तो मोदी सरकार ने की है, महिला के लिए हो या बच्चों के लिए हो, इसमें भी हमने काम किया। मिशन शक्ति के लिए, जिसमें महिला सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए हमने लगभग 3,109 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, ये भी महिलाओं के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने किया है। इसके अलावा 900 करोड़ रुपये हमने मिशन वत्सल्य के लिए किया है, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन और वेलफेयर स्कीम्स का हमने इसमें प्रावधान किया है। एंड वी आर लुकिंग एट द होलिस्टिक कंपैशनेट अप्रोच टुवर्ड्स एंश्योरिंग प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ आर चिल्ड्रन थ्रू दिस स्कीम। यही नहीं, इसके अलावा जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जैसे मैंने पहले कहा, 2.5 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का हम खर्चा इसके ऊपर करने जा रहे हैं। कुपोषण के खिलाफ हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया भर के देशों में अगर सबसे युवा राष्ट्र कोई है तो हिंदुस्तान है। वी हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ यंगस्टर्स और द यूथ हु आर बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स, एंड यूथ बीइंग द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर, दे हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। एंड इफ दे हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, then we can't see our children malnourished. We have to look after their needs. और मैं तो पहाड़ी राज्य से आता हूं, मैं तो कहता हूं कि अगर गांव के खेत में देखें तो महिला काम कर रही है, अगर पशुपालन का काम देखें तो महिला कर रही है, धार्मिक होगा तब सबसे ज्यादा महिला होगी, सामाजिक कार्य होगा तो सब महिला सबसे ज्यादा होगी, महिला मंडलों के माध्यम से भी वो काम करती हैं, राजनीतिक कार्यक्रम में महिलाओं की भूमिका सबसे ज्यादा रहती है, परिवार को पालने पोसने का, बच्चों को आगे बढ़ाने का काम तो महिला सबसे ज्यादा कर रही है, लेकिन जब खाना खाने का बात आती तो अपने बच्चों को सबसे पहले देती, खुद सबसे अंत में खाती है। खून की कमी हो, बाकी सब हो, उसके दृष्टि से दिक्कत आती है। तो जो गर्भवती महिला, उसके लिए भी हमने पैसा देने का काम किया, न्यूट्रिशन की व्यवस्था भी की, उसकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो उसके लिए भी हमने बजट का हेल्थ में प्रावधान किया, डिलीवरी करा के मुफ्त में वो घर तक पहुंचे उसके लिए हमने प्रावधान अलग अलग राज्यों में किए। ये सारी सुविधाएं महिलाओं के लिए हमने करने का प्रयास किया, क्योंकि मातृशक्ति अगर सशक्त होगी, सुरक्षित होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बच्चे अगर हमारे कुपोषण का शिकार नहीं होंगे
और अच्छा उनको जीवन मिलेगा, अच्छा उनका स्वास्थ्य होगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तभी जाकर एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर पाएंगे। इसलिए बजट में प्रावधान किया गया है कि इन सबके लिए चिंता की जा सके। यही नहीं, जो जो हमने सुकन्या समृद्धि योजना देखी जाए, उसके माध्यम से भी बेटियों के खाते में हम पैसा जमा करवाते हैं, और जब वो 10 साल से ज़्यादा की हो जाती हैं तब वो कुछ पैसा उसमें से निकाल भी सकती हैं, 18 साल की उम्र में अपनी शिक्षा के लिए निकाल सकती हैं, उनकी शादी के समय भी उनको उससे पैसा मिलता है। इसमें लाखों नहीं करोड़ों बेटियों ने इसका लाभ उठाया है। यही नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत सारे राज्यों में इन्होंने बहुत शानदार काम किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में कौन आता है? 10 महिलाएं 20 महिलाएं इकट्ठी मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं, महिला स्वयं सहायता समूह जिसको हम हिंदी में भी कहते हैं, उसके माध्यम से सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब इस सबका काम करती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। कोविड के समय जब हमें लगता था कि घर पे ही महिला को रहना पड़ रहा है, तो हमने महिलाओं को भी जो 10 लाख रुपया बगैर किसी कोलेटरल बगैर किसी गारंटी के मिलता था, देश की महिलाएं आगे बने बढ़े और महिलाएं उद्यमी बने, इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का 10 लाख रुपए की बजाय उसको दुगना करके 20 लाख रुपया करने का काम मोदी सरकार ने करने का काम किया है। यही नहीं, महिला शक्ति केंद्र जो हमने 2017 में इसको लॉन्च किया था कि हम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, एम्पावरमेंट की बात हो, डिजिटल लिटरेसी की बात हो, क्योंकि आजकल अधिकतर चीज़ें आप डिजिटली करते हैं, पैसा ट्रांसफ़र करने की बात हो, आपके खाते में पैसा आने की बात हो, जैम ट्रिनिटी की मैं बात करूँ, जनधन आधार मोबाइल, ये त्रिदेव एक तरह से कहा जा सकता है, ये है जिसका लाभ हिंदुस्तान को मिला, क्योंकि मोदी जी की सोच दूरदृष्टि वाली थी, जो दुनिया के बड़े बड़े देश महामारी के समय नहीं कर पाए। अमेरिका जैसे देश को भी चेक प्रिंट करा के साइन कराकर लोगों को पोस्ट करने पड़ते थे, हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर करने का काम किया और करोड़ों बहनों के खाते में पैसा पहुंचाया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा 3 करोड़ विधवा वृद्ध और दिव्यांग, विडो स्पेशली एबल एंड ओल्ड एज, दे गॉट क्लोज टू 3,000 करोड़ रुपीज, 3,000 करोड़ रुपये उनको मिला सीधा खाते में। जो उनको पेंशन मिलती है वो अलग है, उसके अलावा 1,000 रुपये सबको मिला। एक एक बहन को 25.5 करोड़ खाते वाली बहनों को, एक एक बहन को 1,500 रुपया मिला, 31,000 करोड़ अलग से दिया। जिनकी नौकरी जा रही थी नौकरी रोकने के लिए, उनके खाते में ईपीएफओ में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, जिसको कर्मचारी भविष्य निधि भी हम कहते हैं, सॉरी मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलना पड़ रहा है क्योंकि अधिकतर अलीट भी नजर आते हैं, दूसरे भी सब नजर आते हैं, मिला जुला वर्ग है यहाँ पर, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ। तो कर्मचारी भविष्य निधि में भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का हिस्सा जो है 12% और 12%, कुल मिलाकर 24%, ये मोदी सरकार ने जमा कराया, 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान हमने उसके लिए किया। अब लोगों को वापस नौकरी पर रखा जाए, तो हमने इसके लिए भी कहा है कि जो किसी अपने गए हुए कर्मचारी को वापस नौकरी पर रखेगा, उसके हिस्से में पैसा नरेंद्र मोदी सरकार ईपीएफओ में पैसा जमा कराएगी, लोगों को वापस रोजगार देने का अवसर भी मोदी सरकार देने का। यही नहीं, योगिता जी ने इंट्रोडक्शन कराते कराते कहा कि मैं फौज में भी हूं, क्या करें, मेरे परदादा फौजी थे, मेरे दादा फौजी थे, मेरे पिता भी मुझे फौजी बनाना चाहते थे, लेकिन मैं घर से भाग गया था क्रिकेट खेलने के लिए। उस समय नहीं पता था, मैं 6ठी कक्षा में था, क्रिकेट खेलने का जुनून था, लेकिन जब मैं 3री बार का सांसद बना, तो उसके बाद मुझे मन में वो था कि मेरे संसदीय क्षेत्र में हर दूसरे घर से फौजी है, मेरे दादा परदादा सबने उसके लिए काम किया देश के लिए, मेरे पिता ने 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा उठाया और उसको पूरा किया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा किया। तो मैंने कमीशन पास किया, मैं भी लेफ्टिनेंट बना और जल्द ही कैप्टन भी बनने वाला, तो प्रमोशन का समय आ गया है। देश के लिए सेवा भी करता हूं, चाहे सदन में हो, सड़क पर हो, या फौज में जाकर अपनी सेवाएं देने की बात हो। लेकिन देश की महिला भी चाहती थी कि वो भी देश की सेना में अपनी हिस्सेदारी है,
क्या उनको उस तरह से बल मिल पाता था? मोदी सरकार में पिछले 6 वर्षों में फौज में महिला 3 गुना ज्यादा बढ़ी है, 3 गुना ज्यादा बढ़ी। देखिए तो महिलाएं अगर 3 गुना ज्यादा मोदी जी के समय 6 वर्षों में बढ़ी तो तालियां जरा 3 मिनट तो बजनी चाहिए। जहां महिलाओं को मिलिट्री में 2015 में मोदी सरकार के समय आने का अवसर मिला, वहीं पर इंडियन एयरफोर्स ने भी निर्णय किया था कि उनको फाइटर स्ट्रीम में इंक्लूड किया जाए, यानी कि लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए भी हिंदुस्तान की महिलाओं को आने का अवसर मिला। तो मोदी सरकार ने, और यहां पर हमारी नेवी भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी कहा कि हम मैरीटाइम एयरक्राफ्ट में 2016 में नेवी ने भी उसमें आगे उनको आने का अवसर किया। तो मिलिट्री हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, हिंदुस्तान की महिला कहीं पर पीछे नहीं रही, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए आगे बढ़कर काम किया है, तो हिंदुस्तान की महिलाओं ने किया है। और इसका स्तुति गान अगर कोई महिला आकर करती तो उतना बल नहीं मिलता। एक नेता जो फौजी भी है वही आकर महिलाओं की इस उपलब्धि का स्तुति गान करे तो मुझे लगता है यही उचित था। और फिर महिलाएं अब यहां तो रुकने वाली नहीं, आजकल तो कहीं किसी जहाज में बैठ जाओ तो कॉकपिट में अगर 2 पायलट बाहर निकलेंगे तो कई बार तो 1 महिला होती है। लेकिन एक समय वो भी आया जब कॉकपिट में सारी की सारी महिला क्रू था और नॉर्थ पोल से ऊपर से जहाज उड़ाकर भी लेकर गई, तो हिंदुस्तान ने दुनिया में इतिहास बनाया। तो हिंदुस्तान की महिलाओं ने इतिहास बनाया है, जोरदार तालियां हमारी महिला बहनों के लिए। ये है हिंदुस्तान की नारी शक्ति। अब इसका जितना मर्जी स्तुति गान करिए मैं कर सकता हूं, मेरी तो बॉस ही महिला है, इमीडिएट बॉस, अल्टीमेट बॉस तो मोदी जी हैं, लेकिन इमीडिएट बॉस तो निर्मला जी हैं। देखिए समाज के हर वर्ग के लिए काम करना। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आपने अनुसूचित जाति, अब क्या है कांग्रेस समाज को बांट के ही ऐसे देखती है। आपने दलित के लिए क्या किया, आपने अल्पसंख्यक के लिए क्या किया, आपने कश्मीर के लिए क्या किया, फलाने के लिए क्या किया। मैं आपको कहना चाहता हूं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अक्रॉस मिनिस्ट्रीज हमने 51.65% बजटरी इंक्रीज पिछले साल यानी कि इस वित्तीय वर्ष से अगले वित्तीय वर्ष में की है, 83,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,26,000 करोड़ रुपया एससी वर्ग के लिए हमने करने का काम किया। तो मोदी सरकार ने, फिर दिव्यांग की बात करें, डिसेबल्ड की, स्पेशली एबल्ड की बात करें, 30% इंक्रीज हमने उनके लिए किया है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के लिए 28% की हमने इंक्रीज इसमें किया। अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए हमने बढ़ाया है, हमने यहां तक कि ट्राइबल क्षेत्र में 750 एकलव्य स्कूल ट्राइबल बच्चों को खोलने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार ने किया ताकि ट्राइबल बच्चे भी आगे आकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर सके। कोई समाज का ऐसा वर्ग नहीं कह सकता कि हमारे लिए कुछ नहीं किया। इस देश में डिफेंस के लिए कहा जाता है कि आपने कुछ, विपक्ष ने कहा फौज के लिए क्या किया, फौज के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आपको जहाज खरीदने, लड़ाकू विमान खरीदने या आपको टैंक खरीदने, एम्यूनेशन खरीदना है, इन सब के लिए 18.8% से ज्यादा बजटरी इंक्रीज हमने इस बार भी की है। यही नहीं, कोई भी मंत्रालय आप लेंगे, मैं डिफेंस के बारे में कह दूं, ये जो कांग्रेस वाले कहते हैं कि आपने डिफेंस में क्या इंक्रीज किया, इनके 10 साल में ये फौजियों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट 1 नहीं खरीद पाए, मोदी जी ने 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद के फौजियों को दे दी। ये 1 लड़ाकू विमान नहीं खरीद पाए, हमने 36 रफाल खरीद कर दे दिए। चाइना को अगर झुकने पर भी मजबूर किया, हिंदुस्तान ने अपनी ताकत दिखाई तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करने का काम किया। मोदी है तो मुमकिन है, ये है ताकत। आज जो सशक्त नेतृत्व है तो उसके कारण देश का मान सम्मान बढ़ता है।
मैं एक और आपसे बात कहना चाहता हूं, अगर आप अलग अलग क्षेत्रों में भी देखें, मैं किसानों पे अंत में आऊंगा, किसानों की बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं चाहूंगा आप लोग जरूर सुन के जाएं और बुद्धिजीवियों के बीच में अपने सोशल मीडिया पर जरूर डालें, और कोई अगर मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो करता है तो मेरे ट्वीट जरूर देखें, अगर नहीं फॉलो करता तो आज जाके जरूर देख लें। मैंने कांग्रेस को इतना नंगा किया है इसमें और सदन में किया, मैंने लोकसभा में कांग्रेस के एक नेता एक सांसद कह रहे थे मंडी बंद हो जाएगी, मंडी बंद हो जाएगी, मैंने उठ के, मैं बोल नहीं रहा था, मैंने पूछा भैया बताओ कौन से क्लॉज में मंडी लेगा, तुम बताता हूं, मैंने चार बार पूछा वो एक बार नहीं बता पाया। मैंने पार्लियामेंट में राहुल गांधी के भाषण के बाद मैंने वहां पर इंटरवीन किया और जो धजियां उनकी उड़ी है उनके झूठ का हमने वहां पर प्रखच्चे उड़ाए हैं उनको सारी उम्र याद रहेगा, क्योंकि जब मैं बोलता हूं राहुल गांधी जी दो मिनट नहीं बैठ पाते, उठ के चले जाते हैं, कोई पिछले छह आठ दस मेरे भाषण देख लेना कभी राहुल गांधी दो मिनट नहीं बैठ पाए क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं। मैं जब राज्यसभा में मैंने इंटरवीन करके बोला तो मैंने फिर मेरे दोनों सदनों के सभी सांसदों से पूछा कोई एक क्लॉज बताए कहां पर लिखा है कि मंडी बंद होगी, कहां पर लिखा है एमएसपी बंद होगा, और कांग्रेस के ही सांसद ने राज्यसभा में मान लिया कि ठाकुर जी ने ठीक कहा, इस कानून के अंतर्गत कोई मंडी बंद नहीं होगी। कांग्रेस का नेता एक कहता है जो पूर्व अध्यक्ष है कि मंडियां बंद होगी, पार्लियामेंट में ही कांग्रेस का दूसरा सांसद कहता है मंडियां बंद नहीं होंगी। ये कांग्रेस दो दिशाओं में चल रही है, दो अलग अलग धाराएं कांग्रेस की बह रही हैं। आने वाले आप समय में देखोगे कांग्रेस ऐसे ही दो दिशाओं में चलने का काम करेगी और दो फाड़ होने का काम, क्योंकि कुछ सच बोलते हैं कुछ बिल्कुल झूठ का सहारा लेके चलते हैं, लेकिन सच देश के सामने बताने की जिम्मेदारी हमारी भी है, हम सत्ता में। मैं आपको कहना चाहता हूं कपास यानी कि कॉटन, उसके लिए 2013-14 में कांग्रेस ने केवल 90 करोड़ रुपए दिया, हमने इस साल लगभग 26,000 करोड़ रुपया दिया, 26,000 करोड़ रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, खरीद के लिए। एंड इफ आई हैव टू स्पीक अबाउट द टोटल एलोकेशन और टोटल स्पेंडिंग एज वेल एज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज कंसर्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य हमने कितना दिया, तो मैं कहना चाहता हूं हमने प्रोक्योरमेंट भी ज्यादा की, प्राइस भी ज्यादा दिया, हमने खरीद भी ज्यादा की और दाम भी ज्यादा दिए। कांग्रेस ने जो 5 वर्षों में खरीद की मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वो 3,75,000 करोड़ थी, हमने जो 5 वर्षों में की वो 8,00,000 करोड़ से ज्यादा है, जो 2.5 गुना से ज्यादा है। गेहूं और धान के मूल्य 43% ज्यादा बढ़े, दलहन और तिलहन के मूल्य 65% से 70% ज्यादा बढ़े, खरीद केंद्र गेहूं और धान के दुगने बढ़े तो खरीद केंद्र दलहन तिलहन के 3 गुना से ज्यादा बढ़े, और यही नहीं गेहूं की खरीद 73% बढ़ी तो धान की खरीद 114% बढ़ी। और राहुल गांधी से अगर मैं पूछूं कि गेहूं और जौ में क्या अंतर है तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि राजीव गांधी जी भी लाल मिर्च और हरी मिर्च में अंतर नहीं। अब ऐसे नेताओं से मैं क्या सवाल कर सकता हूं, लेकिन सवाल तो ये लोग खड़ा करते हैं और मीडिया को भी मजा आता है क्योंकि आए झूठ बोला, जो स्पीकर का काम था वो भी वो मोहते करके चले गए, स्पीकर की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की वो कहते नहीं आप सब खड़े होकर ये कर दो, और एक बार भाषण दिया तो आगे प्रधानमंत्री के गले पड़ गए। गले लगना अलग बात होता है, गले पढ़ना अलग बात होता है, और यही कारण है कि जैसे 9 सिक्किया जब राजनीति में होते हैं तो कांग्रेस जो कभी 400 सीट की पार्टी थी आज 40 सीट की पार्टी बनकर रह गई। इसके पीछे मूल कारण है कांग्रेस में परिवारवाद और ऐसे लोगों को जिम्मेदारी जो ना सदन में बैठते हैं ना समस्याओं को समझते हैं लेकिन देश के सामने समस्याएं पैदा करते हैं। इस परिवार ने वर्षों तक राज किया, केवल देश के संसाधनों को लूटने का काम किया, कहते हम दो हमारे दो, ये नसबंदी से लेकर नोटबंदी तक के नारे लगाने वाले।
मैंने उसी दिन उत्तर दे दिया था, भाई तुम कौन दो और आगे तुम्हारे दो कौन है, दीदी जीजा जी भी इंक्लूडेड है। और जीजा जी की तो ये हालत है कि कानपुर में एक लड्डू वाला है, ठग्गू के लड्डू, उसका डब्बे पे कभी पड़ना, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। इनके लिए मैं कहता हूं कि गांधी परिवार का एक नारा है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, कोई नहीं छोड़ा। देश का कोई राज्य देखिए, वहां पर इन्होंने जमीनें लूटने का काम किया किसानों के साथ। अमेठी की बात हो तो वहां पर किसानों की जमीन ले गए इंडस्ट्री के नाम पर, अपनी फाउंडेशन के नाम पर ले गए। जीजा जी ने देश के अलग अलग राज्यों में जमीनें इकट्ठी कर ली। ये जो कभी जमीनी नेता होते थे, आज ये जमीनों के नेता होकर रह गए। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये जो कभी जमीनी नेता होते थे, आज ये जमीनों के नेता होकर रह गए। इसीलिए लोगों ने इनकी जमीन उखाड़ दी है और इनकी जमीन सदा सदा के लिए उखड़ चुकी है, क्योंकि मोदी सरकार आज देश को प्रतिबद्ध है आगे ले जाने के लिए, देश की आम जनता का सम्मान बढ़ाने के लिए। मैं आपके सामने केवल 2 मिनट और लेकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये जब बजट आया तो इससे पहले कौन सी आपदा थी? हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी महामारी से हमें जूझना पड़ेगा। क्या आप में से कोई कह सकता कि आपने सोचा कि कभी ऐसा लॉकडाउन होगा जिसमें यही पता नहीं था कि अनलॉकिंग कब होगी? इनका एक नेता है राज्यसभा में कहता कि अप्रैल महीने में 98% गाड़ियों की खरीद कम होगी। अरे घर से कोई निकला नहीं है अप्रैल महीने में, गाड़ी की खरीद कहां से होगी? ऐसे ऐसे तो महानुभाव इनके यहां पर है। लेकिन मैं इनको एक कहना चाहता हूं, हमने आपदा के समय मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग, which we speak in English, micro, small, medium enterprises, which is the MSME sector, we have changed the definition for them also, we have raised the turnover limit for them, and they have been given additional 20% working capital, 20% additional working capital, and a sum of rupees, 3 lakh crore rupees has been given by the public sector and the private sector banks, the scheduled commercial banks, टू द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। किसी व्यक्ति को अपनी 1 इंच जमीन भी या कोई कहना भी गिरवी नहीं रखना पड़ा। मोदी ने गारंटी दी देश के मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग को, 3 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से दिया गया, तो मोदी सरकार ने दिया गया, घर घर से बुलाकर दिया गया, जिसने नहीं लेना था नहीं लिया, लेकिन हमने दिया। 2.5 लाख करोड़ के लगभग मंजूर हो चुका है। इसके अलावा 6 महीने का मॉरिटोरियम पीरियड, आपने गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, किसी की किस्तें वापस करनी, सबको दिया। अलग अलग कदम और उठाए देश में, पैसा बड़े टीडीएस टीसीएस हमने 25% आपकी कटौती की, इनकम टैक्स रिफंड 2 लाख करोड़ का हमने आपको रिकॉर्ड 3 महीनों के अंदर किया। यही सब बदलाव हमने, कई बदलाव किए, तो उसका लाभ कहां पर दिखा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी हमारी इनकम टैक्स की कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज्यादा हुई। अक्टूबर नवंबर में लगभग 1,05,000 करोड़, तो दिसंबर और जनवरी में 1,20,000 करोड़, जो आज तक की सबसे ज्यादा जीएसटी की कलेक्शन है। ये वी शेप रिकवरी जो कहा जाता है, कोई लोग कहते हैं क्या है वी शेप रिकवरी? वी शेप मतलब अगर हमारी अर्थव्यवस्था यहां पर थी, कोविड के समय नीचे तेजी से गिरी, अब वापिस सारे जो आपके पैरामीटर्स हैं ग्रीन शूट्स लगातार ऊपर बढ़ रहे हैं, यानी कि रिकवरी आपकी इस तरह से तेजी के साथ हो रही है। और आईएमएफ ने भी कहा, आरबीआई ने भी कहा, दुनिया भर की संस्थाओं ने कहा, अगर दुनिया में कोई देश 2021-22 में डबल डिजिट ग्रोथ करेगा तो 11.5% से हिंदुस्तान 11.5% से विकास करने वाला है। इसलिए मैं आप सबके सामने विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, जहां महिला उद्यमी आगे आएंगी, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से आए, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से आए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आए, या अलग अलग योजनाओं के माध्यम से आए, हम आपका स्वागत करते हैं। आपको कहीं पर दिक्कत आए तो योगिता जी, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, आदेश ही, आपका तो नाम ही आदेश है, आपको तो केवल आदेश करना है। आपका छोटा भाई सदा महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए या महिला एंटरप्रेन्योर्स के किसी भी ग्रुप के लिए
मेरे नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय के लिए आपके लिए दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, 24 घंटे आपके लिए खुले, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में महिलाओं के उत्थान के लिए जो आज तक कदम उठाए गए, अब हम चाहते हैं चाहे महिला गृहिणी हो, चाहे महिला समाज सेवी हो, चाहे महिला बैंक अधिकारी हो, या महिला वित्त मंत्री हो, या कोई मंत्री हो, या महिला कोई चुनी हुई प्रतिनिधि हो, या महिला हमारी कोई फौजी हो, आर्म फोर्सेस में, नेवी में हो, किसी भी हमारी क्षेत्र में महिला हो, उनको आगे बढ़ने का पर्याप्त अवसर देंगे। और आपको किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि भाजपा शासित राज्यों में हमने 50% रिजर्वेशन पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए किया है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में सुषमा जी से लेकर निर्मला जी से लेकर स्मृति जी से लेकर हमारी पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन जी तक सब महिलाओं ने बगैर रिजर्वेशन के वहां तक पहुंचने का काम किया। आप भी आगे बढ़कर भारत का मान सम्मान बढ़ाएंगे और आपके माध्यम से महिलाएं भारत को $5 trillion इकोनॉमी बनाने में भी पूर्ण सहयोग करेंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महिला मोर्चा ने मुझे अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।